और चलिए बात रुद्रपुर की करेंगे। अलग अलग दो मामलों में दो लोगों की मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल भी पुलिस ने शुरू कर दी है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने कहा कि पहला मामला रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर का है, जहाँ एक किशोरी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं दूसरा मामला रुद्रपुर के किच्छा रोड स्थित तुलसी द्वार का है, जहां पर सड़क पार कर रहे युवक को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई है, जहां एक युवक की एक्सीडेंट में जो है डेथ हुई है। अभी ये अननोन केस है, इसमें अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारी गई। ये जो श्रमिक हैं ये फैक्ट्री में काम करते थे और ये 38 इयर्स इनकी लगभग एज है, तो इनका बेसिकली एक्सीडेंट से डेथ होना अभी तक प्रकाश में आया। बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, उसमें जो भी तथ्य आते हैं उसके हिसाब से इसमें आगे एक्शन लिया जाएगा और हम वाहन आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस वाहन से ये दुर्घटना हुई है। और नेक्स्ट जो है एक डेथ ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में हुई है, जिसमें एक 16 इयर्स की एक युवती है, उसके द्वारा सुसाइड किया गया। उसमें भी बॉडी है वो पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उसमें कोई ऐसे इम्पोर्टेंट कोई अभी लीड नहीं है उसमें। बाकी घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है, इसके संबंध में परिजनों से।